यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से शहर बीजापुर में एक डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जो रामगिरी जो स्वामी है इसके खिलाफ में, और इसको जल्द से जल्द हिरासत में लेने के लिए एक मनवी पत्र जो है डीसी साहब को दिया गया है। हमें उम्मीद है डीसी साहब से और पुलिस डिपार्टमेंट से, हमारा मनवी पत्र डीसी साहब को जाने के बाद ये जो रामगिरी जो महाराज है, जो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी किया है, इसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, ये हमारी मांग है। और शहर बीजापुर में आज हमारा प्रोटेस्ट, इस वजह से हमारा प्रोटेस्ट हुआ है, जो रामगिरी महाराज है इसको क्या है, फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरा नाम जुबेर दफेदार, एआईएमआई बीजापुर यूथ लीडर। मैं एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं, एक इन्हों स्पीच देने के बाद फौरन 2 घंटे में इनको अरेस्ट किया था। आज ये जो स्वामी जो अपनी जबान से जो ये स्पीच दिए, देने के बाद भी इनके ऊपर एफआईआर, बहुत से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी हिंदुस्तान में क्या है, इनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। इनको जल्द से जल्द हिरासत में लेना चाहिए। बाद में क्या है, मैं ये उम्मीद करता हूँ डीसी साहब से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे तमाम डिपार्टमेंट वालों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये मांग क्या है पूरी इन्हों करने की हमारी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा उम्मीद भी है। और ये जो स्वामी है इसको जल्द से जल्द हिरासत में लेकर जो है इसको फांसी की सजा सुनाने की हमारी ये मांग है। आज हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से शहर बीजापुर के डीसी साहब के दफ्तर में एक मनवी पत्र हमें क्या है डीसी साहब को दिए, वो रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने को और उनको अरेस्ट करके फांसी देने के बारे में क्या है, मैं आज यहाँ का मेमोरेंडम दे इनको अरेस्ट करना। अरेस्ट करने के बाद जैसा वो सलमान अजहरी साहब को जो 2 घंटे में अरेस्ट करे थे स्पीच देने के बाद है, वैसा जो स्वामी है इन्हों बोल को 1 हफ्ता हुआ, बहुत से हिंदुस्तान में एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक इनको हिरासत में नहीं ले। ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पार्टी के जानिब से खास से गुजारिश है, आप सबके माध्यम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेकर क्या फांसी की सजा इनको सुनाई जाए। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे इनको तो इससे बड़ा क्या है, बीजापुर में प्रोटेस्ट करने की हमारी क्या प्रोटेस्ट हमें इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम जुबेर दफेदार, एआईएमआईएम यूथ लीडर बीजापुर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।